close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. So, hello guys, welcome back to न्यू व्लॉग। मैं अभी फिलहाल दिल्ली में और जब हमला होटल से निकले हुए आधा एक घंटा हो गया, लेकिन ट्रैफिक में इतना अड़का था कि व्लॉग करने का मन ही नहीं हुआ। और ओ भाई मेरे रुक जाओ। और अभी वही हम लोग आज देखते हैं मैं किधर तक जा पाता हूँ। मुझे नहीं पता आज मैं किधर जाने वाला हूँ। अभी तो फिलहाल आगरा जाने का प्लान है मेरा और मनवीर का। राइट राइट राइट, जगह पे राइट मार। हाँ तो गाइस वेलकम टू दिल्ली आगरा हाईवे। और अभी हम इस हाईवे से जा रहे हैं, स्पीड भी अच्छी खासी मेंटेन हो रही है, कुछ भी ट्रैफिक नहीं है और काफ़ी बढ़िया रोड है। और उसके अलावा मेरे बाजू से ये मेट्रो की लाइन जा रही है और वहाँ पे कोई मेट्रो स्टेशन है और काफ़ी मज़ा आ रहा है यार अभी इस हाईवे पर गाड़ी चलाने को। तो भाई यहाँ पर अभी टोल नाके को क्रॉस करते हुए हम यहाँ पर पुलिस बैठी है। टोल नाका चालू ही नहीं, सारा बंद है। और कुछ तो खाना है भाई। तो गाइस अभी लेते हैं आज का हमारा पहला ब्रेक इस ढाबे पर, सनी ढाबा, अपने सनी पाजी यूएसए वाले का ढाबा है। तो चलो भाई यहाँ पर कुछ खाते फिर आगे निकलते हैं, क्योंकि जो धूप है इतनी बड़ी क्या बोलूँ भाई आपको। तो गाइस यहाँ पर आलू पराठा खाया, फ्रूटी पिया, पानी पिया, अभी आगरा के लिए निकल रहे हैं। दो घंटे में पहुँच जाने चाहिए यार आगरा, और होप आगरा में इतना ट्रैफिक ना हो। और अभी भैया से बात हो रहा था, भैया बोले अगर इधर आपको आना है इससे इधर घूमने के लिए दिल्ली आगरा साइड, तो सर्दियों में ही आने का, आप अभी बहुत गलत सीज़न में आए हो बोले, क्योंकि इधर ना इतना गर्मी रहता, ये सीज़न अच्छा नहीं घूमने लायक। चलो भैया चलते हैं, हाईवे को ज्वाइन करते हैं। तो गाइस है श्री कृष्ण जी का वृंदावन है लेफ्ट साइड में वो गांव, और आगे 11 किलोमीटर पर मथुरा आता है यहाँ से। तो गाइस वेलकम टू मथुरा, ये श्री कृष्ण जी का जन्म स्थान उत्तर प्रदेश। और ये जो बस वाला है भाई क्या हम मार रहा है कब से, मतलब एक से एक गाने बजा रहा है भाई, जोर जोर से मेरे पास आता फिर बजाता। वेलकम टू आगरा गाइस, यहाँ से लेफ्ट साइड में है ताजमहल और हम लोग आए ताजमहल ही देखने आगरा में। और आगरा का जो फेमस है यहाँ का, तो पेठा पेड़ा नाम से कुछ रहता है ना, तो वो घर पे लेके जाएंगे यार पेठा आगरा का, वो काफ़ी फेमस है सुना है उसके बारे में। अभी जल्दी से कोई होटल लेते हैं, सब बैग पैक्स उतारते हैं, थोड़ा आराम करते हैं, और जब सनसेट होएगा उस टाइम पर हम लोग जाएंगे ताजमहल देखने भाई, फिर कते ही मौज कर देंगे। गाइस मैं ताजमहल जाने वाले रोड पर हूँ और मैंने ना एक चीज़ ऑब्जर्व की, यहाँ पर जो भी घर वगैरह है सब क्या मतलब जो कलर है ना वो ऐसे मरून रेड टाइप कलर है सब घरों का। Every Friday Taj Mahal is closed. Why? Basically, on Friday all the Muslims will pray the namaz over here. Okay. From last 20 years. Okay. It will be closed because of the Supreme Court order over there. Okay. Okay. Yeah. So you are staying over here or you are going back to anywhere else? What's your plan, bro? No, if you would like to stay over here, so Taj Mahal will open tomorrow in the morning at 6 o'clock. तो फाइनली गाइस जो कल का सीन था, कल हम लोग आए थे बट फ्राइडे के वजह से यहाँ पे क्लोज था। अभी अभी आज सैटरडे और मॉर्निंग के ऑलमोस्ट 6:15 हो रहे हैं, तो हम दोनों सुबह उठ के जल्दी ताज आ चुके हैं। ये पार्किंग एरिया है, यहाँ से 700 मीटर्स का वॉक है, तो सोचा चलो मॉर्निंग वॉक ही कर लेते हैं और देखते एक पैरा से व्यू। क्यों जब भी आप मतलब कोई ऐसे टूरिस्ट प्लेसेस पे आते हो तो आपको 3-4 टाइम पूछना है भाई कितने का है कैसा है, क्योंकि अभी ऑटो का एक बंदा 100 रुपये बोल रहा और भैया बोल रहे कि 20 रुपये लेते हैं। बन रही है अपनी स्पेशल मस्त चाय गरम गरम सुबह के 6 बजे। यहाँ पे मनवीर बैठा है, इसको कुछ तो हो गए इसको रोको की ज़रूरत है।
गाइज अभी मैं इंटर करने जा रहा हूँ ताजमहल का ही गेट, और यहाँ से मतलब ताजमहल दिखना शुरू हो चुका है। और यहाँ पर लिखा है मेन गेट। तो यार वहाँ पर है ताजमहल, और यहाँ पर जो फाउंटेन्स वगैरह वो है, आजू बाजू में मस्त गार्डन है, और ये मेन गेट। यहाँ से हम लोग एंटर करते हैं ताजमहल के लिए। और मुझे लगा नहीं था यार मॉर्निंग में इतना भीड़ रहेगा। तुझे लगा था भाई इतना भीड़ रहेगा? मेरे को लगा साला अपन 2-5-10 आदमी रहेगा। इधर भीड़ भी है और आदमी मतलब पूरा स्वेट भी कर रहा है सुबह सुबह 7 बजे। ताजमहल के सामने बैठा हूँ और यहाँ से ताजमहल देख रहा हूँ। हे सामने में काफ़ी खूबसूरत ताजमहल का है बिल्डिंग, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर उसकी क्या ही बात करें। मतलब आप इस बिल्डिंग को कोई भी एंगल से देखो आपको सेम ही दिखेगा। तो गाइज ये यहाँ पर ताजमहल, और यहाँ पे उसके साथ में यमुना रिवर, और उस साइड में ही आपको रेड फोर्ट मिल जाएगा जो कल हम बाइक पे आए थे, आप लोगों ने देखा था लास्ट वाले सीन में। तो बस यही, आपको कोई भी एंगल से वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट व्लॉग। बाय बाय, टेक केयर।